अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है लर्न टू अर्न। और इस सीरीज के अंदर बेसिकली एक कंप्लीट डिटेल्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है, जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बिजनेस वर्सेज नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उसकी सिलेक्शन आपने किस तरीके से करनी है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप अपने कैरियर के अंदर एक्सेल तरक्की नहीं कर सकते। सो ये टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में, उनको सिलेक्ट करने के बारे में, उनके बारे में देखभाल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा कि आप अपने एक कैरियर को चूज़ करने लगे हो, जैसे आप यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को सर्च करते हो, उनमें विजिट करते हो, उनकी डिटेल्स लेते हो, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनसे बातचीत करते हो, उनसे पूछते हो कि फैसिलिटीज़ कैसी हैं, पढ़ाई कैसी है, टीचर्स कैसे हैं। इसी तरह से इंक्वायरी करना आपका फ़र्ज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उस की बायो क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कुछ पॉइंट्स ज़रूर दूंगा, लेकिन आपका ये फ़र्ज़ है एज ए कैरियर चूज, जब आप कैरियर अपना सिलेक्ट करने जा रहे हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की ए बी सी कंप्लीट डिटेल्स जानना आपका फ़र्ज़ है। अच्छा, अब ये क्यों ज़रूरी है? देखें, एक इंसान शर्ट ख़रीदने जाता है तो एटलीस्ट 4 से 5 दुकानों को विज़िट करता है, 4 से 5 लोगों की राय सुनता है, शर्ट का मटेरियल देखता है, शर्ट की ड्यूरेबिलिटी देखता है, उसकी वॉश देखता है कि कितने वॉश के बाद इसका कलर जो है वो चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं? एक छोटी सी चीज़ ख़रीदने के लिए, क्योंकि वो पर्सनल यूज़ की चीज़ है। अब यहाँ पे एक कैरियर है जिसके अंदर आपने जाओगे, आप कैरियर के अंदर लर्न करोगे, आप पैसे कमाओगे और अपनी फैमिली को, अपने प्रोफेशनल कैरियर को स्टार्ट करोगे, तो इसलिए आपने उस कंपनी के बारे में डिटेल्स ज़रूर देखनी है, सुननी है, समझनी है। सो सबसे पहली चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए आपने ये देखना है कि वो जो कंपनी है वो किस प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। कंपनी की प्रोडक्ट एंड कंपनी की सर्विस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिकॉज आप को अक्सर मैं बता चुका हूँ कि कोई भी बिजनेस जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर रिलाई करता है। पूरे वर्ल्ड में आप कोई भी इंडस्ट्री उठाएं, कोई भी बिजनेस उठाएं, तो वो 2 प्रोडक्ट्स जो हैं, 2 चीज़ें जो हैं वहाँ पर होती हैं। एक होती है प्रोडक्ट और दूसरी होती है सर्विसेज। सो इसके अलावा तीसरी कोई चीज़, कोई बिजनेस रन नहीं कर रहा होता है। ठीक है, हर बिजनेस के अंदर यही 2 चीज़ें होती हैं। तो आपने ये सिलेक्ट करना है, ये समझना है कि उस कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, उन प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, उन प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उन प्रोडक्ट्स का फ्यूचर क्या है। ठीक है, ये तीनों चारों क्वेश्चंस एक ही सीरीज़ के बनते हैं, लेकिन ये आपने समझने और समझ के इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। फिर आप जब कंपैरिजन करने लगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का, तो ए बी सी कंपनीज को एक ही क्राइटेरिया से आप जज करें। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनीज, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है वो एक नैरो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही होती हैं। नैरो प्रोडक्ट्स मतलब कि एक इंडस्ट्री के अंदर, एक इंडस्ट्री जो है, लेट्स सपोज मेकअप इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रही है। अब मेकअप इंडस्ट्री जो है वो बहुत नैरो इंडस्ट्रीज है, बड़ी इंडस्ट्री है बट नैरो इंडस्ट्री है। जबकि दूसरी कंपनीज जो हैं वो स्किन केयर के ऊपर काम कर रही हैं, वो न्यूट्रिशंस के ऊपर काम कर रही हैं, वो वेलनेस के ऊपर काम कर रही हैं, वो वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रही हैं। सो इस तरह से आपने जब कंपैरिजन कर लिया तो आपके लिए इजीली हो जाएगा कि उस इंडस्ट्री को चूज़ करें, उस कंपनी को चूज़ करें कि जिसके पास 4, 5, 6 इंडस्ट्रीज़ की वराइटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ सोचें कि एक दुकान है जिसके ऊपर सिर्फ एक आइटम है और एक दुकान है जिसके पास 20 आइटम्स हैं, तो कौन सी दुकान के ऊपर ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे? जिसके पास 20 आइटम्स हैं। यस, सो इसलिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट करते हुए कंपनी की प्रोडक्ट को सबसे पहले रिसर्च करनी है, अंडरस्टैंड करना है, उसकी प्रोडक्ट का नॉलेज लेना, नंबर वन। नंबर टू, उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, मतलब है कि उसका मेड कहाँ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी कहाँ पर होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, ये 2 चीज़ें हैं। एंड उसके पास सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं।
एंड उसकी जो सप्लाई एंड डिमांड है वो किस फ्रीक्वेंटली होती है, एंड उसकी प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो क्या है। ठीक है, ये एक ही सीरीज के क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको एक ही सीक्वेंस में बता रहा हूँ। सो नंबर वन प्रोडक्ट, नंबर टू कंपनी की जो है वो बेसिकली डिटेल्स कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, कंपनी किस तरीके से रिकॉग्नाइज्ड है, कंपनी को कितने लोग जानते हैं, एंड कंपनी कितनी पुरानी है। राइट, इसमें 5, 10 साल, 15 साल जो है वो बहुत कम अरसा है। एटलीस्ट जितनी पुरानी कंपनी होगी उतनी उसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी, एंड वो कंपनी जो है फ्यूचर ओरिएंटेड कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कंपनी फ्यूचर के बारे में कितना फोकस करती है। नंबर थर्ड जो चीज है उस कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, उसमें जो लोग काम करते हैं उनका बिहेवियर क्या है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो आपको जब उस बिजनेस में लाना चाहते हैं तब आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, जब आप उस बिजनेस में आ जाएं तो उनकी जो आंखें हैं वो बेसिकली मत्थे के ऊपर आ जाएं, ठीक है, वो आपको प्रॉपर गाइड ही ना करें, इन्फॉर्मेशन ही ना दें आपको, आपको नेक्स्ट स्टेप ही ना बता सके, ना आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिल सके। तो ये नंबर तीन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका इन्वायरमेंट जो है उस इन्वायरमेंट के अंदर लर्निंग के ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग के ऊपर जो ज़्यादा जोर देते हैं जिस कंपनीज के अंदर वो बेस्ट कंपनीज है, आपको उनको चूज करना चाहिए। नंबर फोर उनका सपोर्ट सिस्टम कैसा, ठीक है, मतलब कि आजकल के दौर के अंदर सपोर्ट सिस्टम आप कह सकते हो कि अगर आपको ईमेल आपने कस्टमर सर्विस को कर दी, अगर आपके कस्टमर की इनवाइस पेंडिंग है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपको सर्विस से रिलेटेड, आपकी पेमेंट से रिलेटेड, तो उनका सपोर्ट सिस्टम कितना फास्ट है। ठीक है, नंबर चार चीज, और नंबर फाइव बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उनका प्रॉफिट मार्जिन आपके लिए क्या है और आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए वो कितना हेल्पफुल है। ठीक है, कि प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है, आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, कितने पैसों का मार्जिन है, और वो मार्केट के अंदर भी कंपैरेटिवली बराबर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मार्जिन उसके बहुत हाई है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना नंबर फाइव के ऊपर, प्रॉफिट मार्जिन्स और आपको वो पेमेंट्स मिलती कैसे हैं, आप तक वो पेमेंट्स आती कैसे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिकली पांच पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। नंबर वन प्रोडक्ट क्या है, क्यों है, कैसे है और कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की। नंबर टू कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या है, कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी के पास क्या सर्टिफिकेशन है, कंपनी कितने मुल्कों में काम कर रही है। नंबर थ्री जो है उसके अंदर इन्वायरमेंट कैसा है, उस इन्वायरमेंट के अंदर आप के पास लर्निंग के ऊपर फोकस है या नहीं है। ठीक है, नंबर फोर जो है कस्टमर सर्विस या सपोर्ट सिस्टम उनका कैसा है, और नंबर फाइव प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं। तो ये पांच पॉइंट्स आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप अच्छे तरीके से कंपेयर कर लेते हैं ए बी सी कंपनीज के अंदर, तो देन यू कैन चूज योर नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर, और ये कैरियर आपको आगे लेके जाएगा और इस कैरियर के अंदर आप बहुत तरक्की करने वाले हो। लास्ट के अंदर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन पांच क्वालिटीज़ के ऊपर, बल्कि इनसे भी ज़्यादा क्वालिटीज़ के ऊपर पूरी उतरती है। दैट्स वाई आई हैव सेलेक्टेड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन माई टीम यू कैन विजिट माई यूट्यूब चैनल, और वहाँ पे आपको आपके अपने सिटीज़ के लोग मिलेंगे जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनसे आप बात कर सकते हैं, और वो आपको गाइड करेंगे कि इसके अंदर कैसे आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बट मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियोज़ जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे, एंड प्रेस द बेल आइकन टू नो ऑल द वीडियोस व्हिच इज कमिंग अप। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।